हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गुदा द्वार से संबंधित एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के बारे में। गुदा द्वार के अंदर कई बार दोस्तों देखा जाता है कि सूजन आने लग जाती है। सूजन जैसा महसूस होता है, भारीपन लगता है, गुदा द्वार का अंदर का कोई ना कोई पार्ट कई बार बाहर आने लग जाता है। जो हम स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहे हैं, ऐसी कंडीशन या उससे कम या उससे ज़्यादा भी कंडीशन कई बार मरीजों के साथ बनती है, यानी कि उनके गुदा द्वार के अंदर सूजन आ जाती है, लंप या गांठ जैसा पार्ट बाहर आ जाता है या बाहर आके अंदर चला जाता है। ऐसी समस्या काफ़ी लोगों में देखी जाती है। तो दोस्तों, इस समस्या का होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा परमानेंटली कैसे समाधान हो सकता है, कौन कौन सी मेडिसिन किस तरीके से आप ले सकते हैं, अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं, और आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के जो मैसेज आते हैं कि काफ़ी लोगों की एक ये कॉमन सी समस्या बन चुकी है। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके कारणों पर हम फोकस डालेंगे कि किस कारण से ये समस्या डेवलप हो रही है। दोस्तों, एनस जो एनल ओपनिंग होती है, ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट होता है, यानी कि खाना जब हम मुंह से खाते हैं वो एक प्रोसीजर के तहत अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत पच के और उसका एब्जॉर्प्शन होके और एंड प्रोडक्ट के रूप में स्टूल के द्वारा बाहर निकलता है। और हम जानते हैं कि जब जब आपको किसी भी पार्ट में दिक्कत होगी तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो ज़रूर इफेक्ट होता है। इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, इसके कारणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनल जो ओपनिंग होती है, जो एंड पार्ट होता है, वहाँ पर काफ़ी सारी डक्ट्स होती हैं, काफ़ी सारी नलियाँ होती, खून की नलियाँ होती हैं, काफ़ी सारे टिश्यूज होते हैं, वहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, और वहाँ पर कुछ डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो डिस्चार्ज करती हैं, म्यूकस का डिस्चार्ज करती हैं। तो इसी पार्ट में किसी भी कारणवश दोस्तों स्वेलिंग आने लग जाती है तो मरीज को महसूस होने लग जाता है, वहाँ भारीपन महसूस होता है, वो पार्ट कई बार बाहर आने लग जाता है, कई बार बाहर रहता है, उसमें जलन, दर्द, कॉमन सी समस्या, वो भी आपको बताएंगे क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। ऐसी समस्या दोस्तों कॉमनली देखी जाती है। ये समस्या का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं या कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे आपको प्रोक्टाइटिस है, एनोसाइटिस है, या गुदा द्वार की जो एनल ओपनिंग है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा आपको हेमरोइड्स, जो मुख्यतः पाइल्स होते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स हो जाते हैं, वहाँ आपको फीसर हो सकता है, फिस्चुला हो सकता है, या एनल जो टैग्स होते हैं वो हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, मस्से वहाँ बन जाते हैं, वो भी गांठ के रूप में दिखते हैं। रेक्टल पॉलिप्स होते हैं, एनल पॉलिप्स होते हैं, काफ़ी ऐसी समस्याएँ होती हैं, या प्रोलेप्स हो जाता है, रेक्टल प्रोलेप्स होके भी बाहर कई बार दिखने लग जाता है। लेकिन रिजल्ट यही है कि इस पार्ट के अंदर कई बार आपको बाहर निकलता हुआ कोई पार्ट अगर नज़र आता है तो उसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस समस्या से आपको क्या क्या तकलीफें महसूस होती हैं, जिससे आप पहचान पाएँ कि आपको गुदा द्वार के अंदर कोई समस्या है। अगर कोई किसी व्यक्ति के गुदा द्वार के अंदर कंटिन्यू जलन रह रही है, जलन के साथ हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, वहाँ पर खुजली आ रही है, कंटिन्यू बैठ रहा है, उठ रहा है, उसके बाद भी उनके अंदर उनको आराम नहीं मिल पा रहा, यानी डिस्कम्फर्ट रहता है हर समय, इसके साथ में कई बार तेज दर्द भी हो सकता है, वहाँ का पार्ट फुला फुला बाहर रह सकता है, वहाँ से कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है, म्यूकस जैसा डिस्चार्ज, या कई बार पस भी देखने को मिलती है, या कई बार कंडीशन बढ़ जाती है तो हल्का सा ब्लड भी आने लग जाता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण होता है कि वहाँ सूजन आने की वजह से वो रास्ता रुक जाता है, तो मरीज टॉयलेट या स्टूल पास करने से डरता है, उस वजह से उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, वो जाना ही नहीं चाहते, उनको डर लगने लग जाता है कि मैं जाऊंगा तो बहुत तेज़ दर्द होने लग जाएगा, या कई बार लूज मोशन होने के कारण भी वहाँ स्वेलिंग बनने लग जाती है, तेज़ स्वेलिंग आती है। तेज़ कंडीशन के अंदर कई बार फीवर जैसा महसूस होता है, उस पार्ट के अंदर एनल ओपनिंग के अंदर एक बहुत तेज़ दर्द, ऐंठन वाला सा दर्द महसूस होने लग जाता है। ऐसी समस्या काफ़ी लोगों में देखी जाती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। होम्योपैथी में हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि अगर किसी भी बीमारी का या किसी भी सिम्टम्स का उसका कारण क्या बन रहा है, उसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आपकी जो समस्या है, चाहे आपके पाइल्स हो, फिसर हो, फिसुला हो, प्रोक्टाइटिस हो, कोई भी समस्या, उसका स्थायी समाधान किया जा सकता है। अगर उसका बेसिक कोज पे हम
वर्क नहीं करेंगे तो उसको परमानेंटली ठीक नहीं किया जा सकता। जब भी आप सर्जन के पास जाएंगे तो आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करेंगे कि इसको तो कटवा लीजिए, तो क्या उसको कटवाने से आपके अंदर की समस्याएं ठीक हो जाएगी? नहीं होती हैं। तो वही बात करते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, मैंने अभी बात की आपसे कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हिस्सा है। अगर आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर कहीं भी कोई खराबी होती है, चाहे आपकी डाइट की वजह से, आपके अनियमित खानपान की वजह से, आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, या आपके आंतों के अंदर कोई दिक्कत, या इस सिस्टम में कहीं पर भी कोई दिक्कत, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आंतों में कोई सूजन है, आपके स्टोमक में कोई स्वेलिंग है, या आप सही तरीके से चबा नहीं पाते हैं खाने को, कोई भी कारण हो सकता है, या काफ़ी सारी दवाइयाँ कई बार आपको लेनी पड़ती है, उनकी वजह से भी आपका डाइजेशन सिस्टम अपसेट होने लग जाता है। आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड है, या अदर कोई डिजीज है, उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट अगर डाइजेशन सिस्टम पे आ रहा है तो ऐसी समस्याएं डेवलप हो सकती है। तो अपन को जानना है कि आपके साथ समस्या क्या है। आपका पेट फुला फुला रहता है, आपका गैस बन रही है, आपका मोशन बहुत समय से रेगुलर नहीं लग पा रहा, या लंबे घंटों घंटों तक आप टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर लगाते रहते हैं, बहुत मुख्य वजह यही होती है। दोस्तों, आपका डाइजेशन सिस्टम, अगर डाइजेशन सिस्टम में हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ परमानेंटली सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ों को ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम का ट्रीटमेंट किया जाता है कि आपको क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या तकलीफें हो रही है। आपको हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है आपको कोलाइटिस हो सकता है आपको क्रोन्स डिजीज हो, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, कोई भी कारण हो सकता है, आपको हिपेटाइटिस हो सकता है, हिपेटोमिगली हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, गेस्टाइटिस हो सकता है, ये कोई भी समस्या अगर है तो आपके डाइजेशन सिस्टम को ज़रूर इफेक्ट करती है, और उसका एंड रिजल्ट होता है आपके गुदा द्वार के अंदर अलग अलग तरीके की सूजन बनना। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये सूजन अगर आपके है, आप उसको जानना चाहते हैं कि ये क्या है, मेरे पाइल्स हैं, फीसर है, फीसुला है, क्या है, प्रोक्टाइटिस है, रेक्टल प्रोलेप्स है, देखिए ये कोई भी चीज़ है आप नहीं जान पाते हैं, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके इस चीज़ को जान सकते हैं। लेकिन इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी इनमें से किसी भी तरीके की समस्या है तो आप उनसे राहत कैसे पा सकते हैं, ये बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है जो सिम्टम्स पे वर्क करती है, इतना डीप वर्क करती है कि आपको पेन किलर से भी राहत नहीं मिलती, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से तुरंत राहत मिलती है। आपको पाइल्स है, फिसर है, फिस्चुला है, प्रोक्टाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई भी दिक्कत है, इससे रिलेटेड हमारे वीडियो सब जगह अलग अलग बने हुए हैं हमारे चैनल पारस होम्योपैथी पे, उनको आप पर्टिकुलर जाके देख सकते हैं। उनके अंदर हर प्रॉब्लम का अलग से मेडिसिन के द्वारा सिम्टम्स वाइज सॉल्यूशन दिया गया है। अब आज बात करते हैं, अगर आपको कॉमन प्रॉब्लम है, इनमें से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या आपको क्या है, आपको कौन सी दिक्कत है, तो आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में कौन सी आती है होम्योपैथी के अंदर। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसका हम डाइटरी समाधान कैसे कर सकते हैं, या नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। तो ये रहता है कि दोस्तों, आप सबसे पहले अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करें, जो खाना आप खा रहे हैं उसको चेंज करें, हल्का खाना खाएं जो आपके पेट में भारीपन पैदा नहीं करता हो, आपको हल्का लगता हो, डाइजेस्टन में खाने के बाद अच्छा लगता हो, गैस नहीं बनाता हो, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करता हो। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी अच्छा पिएं, खाना चबा चबा कर खाएं, स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, अपने दिमाग में या फिजिकल कोई भी स्ट्रेस है उसको रिलीज टेक्निक के द्वारा उनसे छुटकारा पाए, तभी आपका डाइजेशन सिस्टम सुधर सकता है और आपका ट्रीटमेंट भी आपके अंदर बहुत अच्छा वर्क करेगा, तब आप जब आप इसके साथ में मेडिसिन के साथ में ये चीज़ें करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन की। सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में आती है दोस्तों नक्स वोमिका, होम्योपैथी की टॉप लीडिंग मेडिसिन है डाइजेशन सिस्टम के लिए, और आज के जो प्रैक्टिकल जो टाइम है इसके अंदर भी ये अच्छा वर्क करती है। कारण क्या है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, अपने काम में मशगूल रहते हैं, लॉन्ग सिटिंग करते हैं, और खान पान के अंदर अनियमितता ही करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर समस्या है, पेट के अंदर समस्या तकलीफ हो रही है, उसके साथ में एनल ओपनिंग के अंदर उनको जलन दर्द या किसी भी तरीके कोई समस्या लग रही है, उसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। सेकेंड मेडिसिन दोस्तों बात करना चाहूँगा कोस्टिकम। कोस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है जो उन लोगों के लिए अच्छा वर्क करती है जहाँ पर आपने देखा हो गुदा द्वार के अंदर फूला हुआ पार्ट, काफ़ी बड़ा पार्ट लगने लग जाता है, उसमें तेज़ दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए कोस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको 30 पावर में 5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस।
डाइजेशन सिस्टम में दिक्कत होने के कारण एनल ओपनिंग के अंदर स्वेलिंग के साथ में अगर क्रेक्स पड़ने लग जाते हैं, चीरे पड़ने लग जाते हैं, वहाँ तेज जलन, दर्द, ऐसी समस्या रहती है। साथ में अगर आपको कब्ज है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। नेक्स्ट मेडिसिन चर्चा करूंगा दोस्तों एलोसोक्रोटिना। एलोसोक्रोटिना, एलोवेरा अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में यूज आती है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके मरीज को एनल ओपनिंग के अंदर ऐसा लगता है कि मेरे उस पार्ट से कुछ निकलेगा या कुछ निकलता हुआ ऐसा महसूस होता है, कई बार निकलता भी है, और वहाँ पर फुलाव नज़र आता है, नीला नीला सा गुच्छा नज़र आता है, और उनको वहाँ पर जलन के साथ दर्द भी होता है, उसको ठंडे पानी से धोने से उनको आराम मिलता है। ऐसी समस्या के अंदर ली जा सकती है एलोसोक्रोटिना। इसकी भी 30 पावर को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड एक ऐसी दवा है जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी की प्रेगनेंसी के दौरान जिनको तकलीफ रहती है एनल जो ओपनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के साथ दर्द, बहुत तेज़ दर्द होता है और स्वेलिंग कंटिन्यू बनी रहती है, उनके लिए म्यूरेटिक एसिड बहुत ही रामबाण की तरह काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया 30 पावर को 5-5 बूंद उन केसेज में यूज किया जा सकता है जिन लोगों को गुदा द्वार के अंदर कंटिन्यू प्रॉब्लम रहती है, तीखा तीखा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ तीखे तीखे पार्ट कुछ पड़ा है या कुछ फंसा हुआ है, उस वजह से उनको तेज दर्द होता है, तो उनके अंदर बहुत बेस्ट मेडिसिन है रेटेनिया। एक मेडिसिन आपके साथ और डिस्कस करूंगा वो है एसिड नाइट्रिकम। दोस्तों एसिड नाइट्रिकम एक ऐसी दवा है जिन लोगों को बहुत तेज दर्द और उस पार्ट से हल्का हल्का ब्लड अगर आ रहा हो, तीखा कोई चुभोने वाली ऐसी जैसे लगता है कि बैठे रहते हैं कंटिन्यू, तो उनमें ऐसा लगता है कुछ सुइयां सी चुभ रही है, कुछ तीखा चुभ रहा है, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है एसिड नाइट्रिकम। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, आप अपनी समस्या को नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श लेना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपना अपॉइंटमेंट लेके हमारे से पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों इससे संबंधित कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा केवल पूछ सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय होम्योपैथी।